अप गाइस, योर प्रोफेशनल अपग्रेडर इज बैक। और जिससे पहले कि आप लोग फ्रैंकलिन को कंग्रेचुलेट करो, गर्ल डैश फ्रेंड, अ फ्रेंड हुज अ गर्ल, और गर्लफ्रेंड वो तो गर्लफ्रेंड ही है। तो आज हम फ्रैंकलिन की दोस्त की गाड़ी अपग्रेड करेंगे। सही से चल तो ले, हो जाता है यार कभी कभी। अब तक हम लोगों ने जितने भी अपग्रेड्स करे हैं, उन सब में से आई थिंक ये टॉप 3 बेस्ट स्टार्टिंग कार्स में आते ही है। फर्स्ट भी हो सकता है, वो बात तो हमें अपनी न्यूक्लियस बताएंगे, पर हाँ स्टार्टिंग व्हीकल के हिसाब से ये सही में काफी अच्छी है। तो आइए गाइस, बिना किसी देरी के अपग्रेडिंग स्टार्ट करती है। वेट, एक्चुअली अपग्रेड स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे चलती है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो गॉड व्हीकल होने वाली है वो इस व्हीकल से कितनी अच्छी होने वाली है। ड्रिफ्टिंग में तो 10 में से 10 बर्गर। वैसे जो फ्रैंकलिन की दोस्त है वो ऑफिस जाने के लिए ये व्हीकल यूज करती है, पर ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं किसी ड्रिफ्टर की गाड़ी चला रहा हूँ। एकदम मक्खन ड्रिफ्ट मार रही है। अब हम इसकी टॉप स्पीड देखते है। ओके, तो इट लुक्स लाइक की जो टॉप स्पीड है वो है 123 किलोमीटर पर आवर। इसे बोल ले, मेरे कहने का मतलब था 123 किलोमीटर पर आवर। एंड इट लुक्स लाइक स्टंट मारने में भी ये गाड़ी इतनी खराब नहीं है। नॉर्मल गाड़ी के हिसाब से इसका स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं है, तो इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो यूजुअली डिसेंट क्वालिटी का यूज होता है। लेकिन इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी एक छोटा सा ही डेंट पड़ा है। इसका मतलब आज के अपग्रेड्स काफी इंटरेस्टिंग होंगे, वो तो हमें अभी पता चलने वाला है। लेट्स गो। थोड़ी ज्यादा ड्रिफ्ट करिए। ओके, तो लेट्स गो। ये भी काफी कम होता है कि जो पहला ही अपग्रेड है वो एक प्रॉपर गाड़ी हो। सही बोला, नहीं तो कूड़ा मिलता हमें। जाओ, और ये कोई नॉर्मल गाड़ी भी नहीं है, मर्सिडीज है। ये फिर एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो आज का अपग्रेडिंग होने वाला है वो काफी कमाल का होने वाला है। देखो तो सही, इस गाड़ी को पुराने जमाने की माफिया बॉस कार लग रही है। वेरी बैडास। स्पीड से भी पहले मेरे को ये देखना है कि हाँ ये भी ड्रिफ्ट कर सकती है। सोचा नहीं था कि इतनी पुरानी गाड़ी को ड्रिफ्ट करते हुए देखूंगा। अब मैं अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहता, बट यू नो एज अ प्रोफेशनल ड्रिफ्टर मैं किसी भी गाड़ी को ड्रिफ्ट करवा सकता हूँ। चल झूठा, सच क्यों बोल रहे हो यार। पर गाइस, जो पहला ऑब्स्टिकल हम लोग क्लियर करेंगे वो होने वाला है बस जैम, तो लेट्स गो। ये क्या, मैं रुक गया? यहाँ से करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पीड चाहिए। एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गया था कि ये फर्स्ट अपग्रेड ही है। मेरे को बोलता है गोचू प्रसाद, खुद है। अब क्या करें, फ्रो लेगेसी भी कभी कभी गलती हो जाती है। वैसे भी हम लोगों को जो करना था वो कर लिया ना। ये देखो बस जम कम्प्लीटेड, आधा ही हुआ। हाँ, मेरा मतलब भी वही था, आधा बस जम कम्प्लीटेड, अभी आधा और बाकी है। और ये जो सामने मर्सिडीज का लोगो है वो वाइब्रेनियम से बनाया है क्या? अब तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ गाइस। वकांडा फॉरएवर। यस, जय वकांडा। ओल्ड गैंगस्टर कार, तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा, और ड्रिफ्ट में तो 10 out of 10 स्टार्स। पर हमें तुम्हें अपग्रेड करना होगा। ओ, व्हाट इज दिस? आज तो सही में यूनिक गाड़ी आ रही है। ये तो एक कॉम्पैक्ट कार और एसयूवी का हाइब्रिड लग रहा है। वेरी यूनिक डिजाइन गाइस, आप लोग को क्या लगता है नीचे कमेंट्स में बता देना। और हाँ, उसी के ऊपर सब्सक्राइब बटन होगा, वो भी दबा देना। ये 3 million पे दुबई ड्रिफ्ट करेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग ऐसी कमाल की वीडियोस मिस नहीं करोगे। हाँ, थोड़े टाइम बाद हम लोग और भी ज्यादा डिफरेंट गेम्स ट्राई करेंगे। तभी मैं कहता हूँ कि न्यूक्लियर गैंग ज्वाइन करो, हम लोग बॉब को बुली करेंगे। गाइस, ज्वाइन माय बर्गर गैंग। इसके बारे में तो मैं भूल ही गया। क्या? अरे यार, कैसा गोचू है, सामने तेरे को इतनी बड़ी रोड नहीं दिख रही क्या? दिख रही है, कहाँ जाती है ये? कैसा भुलक्कड़ है न्यूक्लियस, आप लोगों ने नॉर्मल डार्ट खेला होगा, ये गाड़ियों वाला डार्ट है। वो देखिए, अगर हम सेंटर पे हिट करेंगे तो जीत जाएंगे, और अगर यहाँ पे हिट करेंगे तो हार जाएंगे। तू बड़ा हार गया। देख लियो, एक दिन तो मैं जीत के रहूंगा। और ये भी काफी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। नहीं, एक बार रुको। क्या बात है, इस गाड़ी को स्ट्रेंथ में मिलते हैं 10 out of 10 पॉइंट्स। झूला झूला दिया, वो नहीं करना था, हम लोग तो अपग्रेड करने के लिए आए हैं। लेट्स डू दी अपग्रेडिंग गाइस। माय गॉड, जिला फैंटास्टिक, इतनी जल्दी इतनी कमाल की गाड़ी। आज का दिन सही में अपग्रेडिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट है। इंटीरियर ज्यादा खास नहीं है, नॉर्मल ही है, बट दी एक्सटीरियर इज अमेजिंग। पीछे देखो, स्क्वायर मोमोज। पागल है क्या, ये स्क्वायर मोमोज नहीं है, पता नहीं क्या है। इसको तो शूट करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है क्या ये? जो भी हो, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा तो कोई नहीं। सबसे मस्त तो इसके पहिए है। नहीं, इसका पावर, ये देखो यार, लिटरली गाड़ी आगे पीछे जा रही है। टीटू भाई ऐसे मॉडिफाई करा देंगे तो ये व्हीली भी करेगी। ये देख रही हो, इसके पीछे वाला पोर्शन कैसे नीचे को जा रहा है। टू मच पावर। सही में थोड़ी देर और चलाएंगे तो टायर ब्लास्ट हो जाएगा, देखो ना गड़ रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि सामने ही जंप है। लेट्स गो गाइस। ये क्या बात है, हम लोगों ने परफेक्ट लैंडिंग करा, वो भी उल्टा, और इतना कमाल का ड्रिफ्ट मारा। What is happening today? ये क्या? तेरी आवाज तो मेरी ऐसी हो गई थी। लगता है कुछ ज्यादा ही खतरनाक शॉक लग गया।
और ये देखो यार वापस ही परफेक्ट लैंडिंग। आइए जिससे पहले कि मेरे को डबल ट्रिपल शॉक लगे। ग्रेट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट यूवी टोयोटा लैंड क्रूजर। किसे पता हम लोग को भविष्य में एयर क्रूजर भी मिल जाए। अभी का देख ले, देख रहा हूँ ना काफी सॉलिड है, इससे सलमान खान करने में बहुत मजा आएगा। और ये देख रही होगा इस पीछे जो लोग बैठे है उनके लिए आईपैड लगा हुआ है सामने। सही है, ट्रैवल करते करते गेम्स खेलो और मूवी देखो, वैसे ही हमारी गाड़ी में भी लगवा दे। मैं जानता हूँ इतना बड़ा टैबलेट लगाऊंगा ना तो उसे आराम से तोड़ देगा। और ये देखो यार बॉडी रखने के लिए बहुत स्पेस है। मैंने इसके दरवाजे बंद कर दिए है पर ये अपने आप खुल गए। और ये दरवाजा बंद करने का साउंड इफेक्ट क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि ये है एक भूतिया कार। डराने की काफी अच्छी कोशिश करी आपने पर आप नाकामयाब रहे। अगली बार कुछ और बोलूंगा। कुछ भी बोल ले तू मेरे को डरा ही नहीं सकता। देख के लगा नहीं था कि इतनी वीक होगी, तुमने तो बैंड बजा दी इसकी। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। सोचा था कि इस गाड़ी से सलमान खान करेंगे, इस गाड़ी का ही सलमान खान हो गया। आगे की जो हेडलाइट है वो भी देखो पता नहीं कैसे हवा में उड़ रही है। मैं भूतों पे यकीन नहीं करता बट शायद से ये भूतिया कार हो सकती है, तो जल्दी अपग्रेड करते हैं। जैसे कैप्टन बोलता है एक घोड़ी। कितनी बार बोलूं यार ऑडी है घोड़ी नहीं। ऊपर से पूरा कस्टमाइज्ड लग रहा है। ये देखो आगे का लोगो पूरा ब्लैक है। हाँ। पीछे का क्यों नहीं है? शायद से किसी आलसी ने कस्टमाइज करा है। तेरे तरह क्या? मैं आलसी हो सकता हूँ पर जब मैं काम करता हूँ तो उसको पूरा कंप्लीट करता हूँ। एवेंजर्स वर्सेस एलिमेंटल्स आएगा यार, उसका भी पार्ट 2 आएगा किसी दिन थर्ड चैनल पे। अभी के लिए हम इस पे फोकस करते हैं। ये भी काफी स्मूथ है। आज की गाड़ियों में एक बात तो है, ड्रिफ्टिंग के मामले में तो 10 out of 10। देख रही होगा इसके मक्खन ड्रिफ्ट मार रही है। वाह, जीने के ही 4 दिन कैसे थे 5 दिन। और क्योंकि इसका स्पीड इतना बेकार भी नहीं है, हम लोग ये भी ट्राई कर सकती है। नहीं होगा, कितना नेगेटिव है यार, ट्राई तो करने दे। हाँ बो, वैसे डीमोटिवेट मत करो। हर फ्रेंड ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता ही है जिसके मुंह से कुछ अच्छा निकल ही नहीं सकता। किसने बोला मैं तेरे दोस्त हूँ? ले इसने कम्प्लीट कर दिया, गू खा ले और सही सलामत नीचे भी आ गए। क्या लगता है गाइस नेक्स्ट गाड़ी कौन सी होने वाली है? BMW। BMW निकल गई। मैंने अब तक बहुत सारे बबलूस चलाए हैं बट दिस बबलू इज द बेस्ट। कलर तो देखो कितना अच्छा है। वही तो, आज की वीडियो में इतनी यूनिक चीजें काजी हो रही है। ऐसा कलर शायद से पहली बार ही मिला है। मेरे को बिल्कुल भी डैमेज करने का मन नहीं कर रहा। Because this is a work of art। काफी केयरफुली हम लोग एक बार इसका टॉप स्पीड देख लेते हैं। ओके, स्पीड अभी भी बढ़ी जा रही है बट हम लोग के पास जगह नहीं है तो ब्रेक। बहुत ही घटिया ब्रेक है। इससे अच्छी ब्रेक तो मेरी साइकिल की है। लगता है इस वाले बबलू के लिए कलर पे ज्यादा फोकस करा है। मिशन कंप्लीट हो गया, देखो डैमेज नहीं हुआ। यस, मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा गाइस, लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा ड्राइवर बनते जा रहा हूँ। ज्यादा इमोशनल नहीं होने का, अभी मेरे को काम भी तो करना है। सब लोग BMW के लिए बाय बाय करके कमेंट करो। बाय बाय BMW, वी विल मिस यू अ लॉट। एंड व्हाट इज दिस आवाज? इट एज की कोई पूरी ऑरेंज है। और गाइस ऐसा नहीं है कि गेम का साउंड मैंने कम कर रखा है, देखो ये गाड़ी लिटरली आवाज ही नहीं करती। एटलीस्ट जब हम लोग इसको चला रहे हैं टायर की तो आवाज आनी चाहिए ना। नहीं आ रही, असली भूतिया कार तो ये है। जिससे पहले कि मैं भी भूत बन जाऊं स्टंट करके अपग्रेड कर लेते हैं। नहीं अभी मत कर, थोड़ी देर और चला। देखो तो सही मेरे को गिरा के कैसे हंस रही है। गुच्चू को उड़ाया है, हंसी तो आएगी। एक बार आप भी आओ ना, गट्टर गट्टू को उड़ाने के बाद कैसे हंसती है ये वो भी देखना है मेरे को। मेरे पैर में चोट लग गई। डरपोक, कुछ भी हो जाए स्टंट तो मैं करके रहूंगा। ये देखो गाइस परफेक्ट लैंडिंग, ऑलमोस्ट परफेक्ट लैंडिंग थी। अभी हमारी स्पीड पहले से काफी ज्यादा अपग्रेड हो गई है तो एक बार बस जंप भी करके देख लेते हैं क्या बात है। ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था यार। सैड लाइफ, बस थोड़ा ही और पावर चाहिए फिर हो जाएगा। ओह नो, इसमें से धुआं निकल रहा है, जल्दी करना पड़ेगा। और जाने से पहले मैं इस गाड़ी को एक नाम देना चाहता हूँ जो कि होने वाला है संतरा, क्योंकि ये संतरे की तरह बिल्कुल ऑरेंज है। क्या बात है, जोक मारा क्या? हंस रहा था। एंड ओह माय गॉड चला, व्हाट इज दिस? एक सेकंड रुक यार, देखने तो दे। ज्यादा कमाल की यार, आई एम स्पीचलेस। GTR है बट काफी अच्छा कस्टमाइज करा है। अंदर से भी देखो यार क्या इंटीरियर है, वेरी कंफर्टेबल। एंड लुक एट दैट शादी का स्पीकर, जिसने भी इसको कस्टमाइज करा है इस सैल्यूट्स टू यू। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना अच्छा फ्रंट बम्पर नहीं देखा। और पीछे जो स्पॉइलर लगा है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल है, देखो क्रेजी यार। सही में इसको डैमेज मत करियो। मेरा मन तो नहीं है पर इसके लिमिट्स जाननी है मेरे को। देखना है कि ये कितनी दूर जा पाएगी। बहुत दूर जाएगी, बस ऊपर मत पहुंचा दियो। डोंट यू वरी माय फ्रेंड, मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा। ब्रेक टेस्ट
वेरी गुड। ओके तो अब हम लोग बिना किसी प्रॉब्लम के जंप कर पाएंगे। गुड लक मेरी तरफ से भी गाड़ी को। ओके लेट्स गो गाइस, स्पीड भी बढ़े जा रही है, ऑलमोस्ट 300 के नजदीक थे यार, काफी। नाइट्रोस लगा देंगे और इंजन को हल्के से अपग्रेड करने पे आराम से पहुंच जाएगा, फिर तो 500 क्रॉस कर जाएगा। ये बस क्रैश मत करियो, वेरी क्लोज, जिसका भी घर था। आई एप्लोजाइज, हमने जो जंप करा वो 2 किलोमीटर का था। ज्यादा होता है क्या? 2 किलोमीटर भाग के देख ले, तेरे को खुद पता चल जाएगा। अब हमें वापस जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, देला गाइस, क्या स्टंट मारा मैंने? तुक्का ओपिन द चैट, नहीं तुक्का नहीं था। देखा जाए तो इतने खतरनाक जंप के बाद भी ज्यादा डैमेज नहीं हुई है। हाँ बस धूल पड़ गई। सैंडी शोर्स में बस यही प्रॉब्लम है, हर जगह धूल ही धूल। निसोन GTR को मैं रेट करूंगा 10 out of 10 स्टार्स। और इसको कितना रेट करेगा? जस्ट अभी गाड़ी मिली है, थोड़ा चलाने तो दे। और ये गाड़ी नहीं गाड़ा है, लंबू। नाइस नेम, जैसी गाड़ी वैसा नाम। न्यूक्लीज, क्या आप लोग भी सोच रहे हो कि लंबू टूटता है कि नहीं? ओह आपको कैसे पता चला? वेल डोंट वरी, न्यूक्लियर भाई है तो टेंशन क्यों ले रहे हो? हम लोग को अभी थोड़ी देर में पता लगने वाला है। क्या संभव? इतनी लंबी गाड़ी लूप के ऊपर से कैसी गई? ऊपर से सही सही लैंड भी करा। ऐसे होना तो नहीं चाहिए था पर हो गया। वैसे ध्यान से देखे तो लंबू थोड़ा सा बेंड हुआ। बेचारा लंबू। रुको यार, वापस से ट्राई करती है, लेट्स गो। मेरे को सही में जानना है कि वो गलती से हुआ या फिर एक्चुअली में होता है। क्या? हाउ? सैंडी सोर्स में भी लॉस संतोष की तरह इम्पॉसिबल चीजें हो रही है। वेलकम टू सैंडी सोर्स। बट अभी भी जिस चीज का गोल था वो कम्प्लीट नहीं हुआ, देखना गाड़ी सही से नहीं मुड़ी। मेरे को तो लंबू के लिए बुरा लग रहा है। उदास मत हूँ, मैं तो ये बस साइंस के लिए कर रहा हूँ, जिससे कि बाद में हम लोग लंबू के लिए अपग्रेड कर पाए। एंड इट लुक्स लाइक कि हमारा मिशन थोड़ा थोड़ा सक्सेसफुल हो रहा है। देखो गाइस, लंबू मुड़ रहा है। ऑल राइट, तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया है। लंबू की तो ढक्के टिके हो गई। सही बोला, ढक्के टिके, ढक्के टिके। That was very very close. यहाँ पर मैंने बहुत सारी गाड़ी अटकाई है, जिससे पहले कि लंबू बिल्कुल भी ना चले अपग्रेड कर लेती है। वाओ, क्योंकि फ्रैंकलिन की जो दोस्त है वो इसे ऑफिस के लिए यूज करने वाली है। रोल्स रॉयस से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है। लंबब्लूनी को ट्रैफिक में चलाना काफी अनोइंग होता है, पर ये गाड़ी बिल्कुल कंफर्टेबल है। और जो ये ऊपर डॉट्स चमक रहे हैं वो रात के टाइम पे ग्लो करते हैं, और कलर भी अच्छा है। स्पीड टेस्ट वो भी करेंगे, लेकिन आराम से करेंगे, मैं नहीं चाहता कि इस गाड़ी को डैमेज हो। तो भाई स्पीड भी बढ़िया है, देखो यार ऑलमोस्ट 300 जा रही थी। चलो तो गाइस इसको यहाँ पर सेफली रखते हैं, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।